नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सभी का स्वागत करता हूँ यूनिक ट्रिक्स एंड टिप्स यूट्यूब चैनल पे। सुबह के बज रहा है अभी 4, मुझे बहुत नींद आ रहा है भैया जी, ले इस वजह से जो है टाइम भी मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। 5:46 बज रहा है सुबह का, ठीक है। और मैं सारा रात जितना भी मेरा UPI कनेक्टेड था तो मैं उन सब से जो है ट्रांजेक्शन करने में लगा हुआ था। तो मेरा जो है अभी सुबह तक सारा का सारा ट्रांजेक्शन हो गया है कंप्लीट, और मुझे इनमें से आधे अकाउंट में कैशबैक भी रिसीव हो चुका है, ठीक है दोस्तों। पहली बात, अब मैं ट्रांजेक्शन करते हुए मुझे दो समस्या का मतलब सम्मुखीन होना पड़ा। पहली बात कि कोई कोई अकाउंट में मेरा जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो है कि प्रीवियस ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा है, वो अचानक से गायब हो जा रहा है, UPI ID जो है वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम मुझे जो है आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको भी यही प्रॉब्लम जो है आ सकता है। तो इसका जो है सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि आपको पता ही है यूनिक ट्रिक एंड टिप्स आपको ऑफ़र भी बोलता है, ऑफ़र अप्लाई करते हुए क्या क्या समस्या होता है वो भी बोलता है। तो इस बारे इस ऑफ़र पे भी कुछ कुछ समस्या है Paytm की तरफ से, क्योंकि ह्यूज क्राउड जो है इस ऑफ़र को लेने के लिए Paytm ऐप पे जा रहा है और Paytm उतना ट्रैफिक जो है संभाल नहीं पा रहा है। तो आपको भी अगर ऐसा समस्या आता है, अगर आपको प्रीवियस ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा है, UPI रिक्वेस्ट कर रहे हो, UPI रिक्वेस्ट भी नहीं आ रहा है, QR कोड भी स्कैन नहीं हो रहा, आपका Paytm ऐप में खाली बैलेंस शो कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा, तो आप सिंपली जो है अपना Paytm अकाउंट एक बार लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद फ़ोन एक बार से रिस्टार्ट मार लीजिए। रिस्टार्ट मारने के बाद फिर से जो है Paytm अकाउंट में लॉगिन कीजिए, देखिए आपका काम करने लगेगा। और कुछ कुछ मैटर में ऐसा हो रहा है कि Paytm जो है सस्पिशियस एक्टिविटी के चलते कुछ कुछ अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दे रहा है। इस बारे में आपको जो है Paytm कस्टमर केयर वालों से जो है बात करना पड़ेगा। मैं दोनों नंबर Paytm पेमेंट्स बैंक का नंबर, Paytm का UPI हैंडल का नंबर, दोनों नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपका सुविधा हो सके। देखिए दोस्तों, आप जब भी उनसे बात करें तो अपना गलती मत एक्सेप्ट कीजिए, आपको उनके ही मतलब अपने बिहाफ पे उनके जो है मतलब कस्टमर केयर एजेंट से बात करना पड़ेगा पूरा इनफोर्स देके, ठीक है। क्योंकि बताएंगे वो लोग कि आपका ये गलती है, आपका वो गलती है, ठीक है। और Paytm ने 7.33 वर्सन भी लॉन्च कर दिया है, बट अभी जो है वो वर्सन जो है प्ले स्टोर में अपडेटेड नहीं है। मतलब जो होता है ना कि ऐप अपडेट करने का नोटिफिकेशन, वो नहीं आया है। आप अगर चाहते हो अपना Paytm 7.3 में अपडेट करवाना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फास्ट काम होता है, ठीक है, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आपको जो है Paytm अपना मोबाइल से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर से इंस्टॉल करके सारा का सारा सेटअप दोबारा से करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वो दिक्कत वाली बात तो आ सकता है कि Paytm में आपका शो नहीं हो रहा, वो उस परेशानी का प्रॉब्लम एक ही है, लॉग आउट करके लॉगिन करो तो आपका फ़ोन रिस्टार्ट भी मार दो, बस आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो बस इतना ही, अगर आपको हो रहा है ये प्रॉब्लम तो इतने करने से ही आपको समाधान जो है हो जाएगा। अगर और किसी को और कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे जो है फेसबुक जो है हमारा पेज, वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज में मैसेज करना थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि मैं फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो आप जो है कर सकते हैं, मैं अपना जो है थोड़ा सा ज्ञान आपको भी देने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्ञान देने से ही बढ़ता है। तो चलिए, खुश रहिएगा और जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। मुझे नहीं लगता 11 बजे तक भी ये ऑफ़र चलेगा, क्योंकि बहुत सारा जो है Paytm का सबके बीच में दिया जा चुका है।